बड़ी लूट के साथ डीजीपी ओपी सिंह का स्वागत। उत्तर प्रदेश के डीजीपी शहर में हैं और दो लूट की घटनाएं हो जाएं तो इस पर क्या सोचा जाए, पुलिस व्यवस्था में कमी मानी जाए या बदमाशों के हौसले बुलंद माने जाए। डीजीपी ओपी सिंह के आने से पहले गुरुवार की शाम को थाना इगलास के कालाम चौकी के पास रोडवेज बस को रोककर बदमाशों ने ज्वेलर्स से 41 लाख की ज्वेलरी लूट ली। वहीं आज सुबह थाना दहली गेट में मथुरा हाईवे के पास से पशु कारोबारी से 3,60,000 रुपए बदमाशों ने लूट लिए। वहीं डीजीपी के लखनऊ रवाना होने से पहले थाना खैर के रामलीला मैदान के पास खराद मशीन के कारोबारी दीपक वर्मा से बदमाशों ने 3,07,000 रुपए की लूट की। दीपक घर से बैंक को रुपया जमा करने जा रहे थे, तभी पल्सर सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। अलीगढ़ में पुलिस ने अब तक कई एनकाउंटर किए लेकिन फिर भी बदमाशों के हौसलों में कोई कमी नहीं आई। डीजीपी से सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि सभी घटनाएं वर्कआउट होंगी, इगलास की घटना पर लीड्स मिले हैं और आने वाले दिनों में घटनाओं का खुलासा किया जाएगा। सब वर्कआउट होंगे, सब वर्कआउट होंगे, वर्कआउट होगा, एकदम होगा। उसमें लीड्स मिले हैं, उसमें लीड्स मिले हैं जो कल की घटना की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें लीड्स मिले हैं। एसएसपी विल सॉल्व इट। सर, एक कल घटना हुई है, देर शाम एक बस से व्यापारी को निकाल करके 1 किलो सोना लूटा गया है, इस तरीके से देख रहे हैं, एक सवेरी घटना हुई है सर। ये कल की घटना के बारे में मुझे बताया गया है और मेरी इस पे बातचीत हुई है यहाँ के पुलिस अधीक्षक से और उनको कुछ लीड्स मिले हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में वो इसको सॉल्व करेंगे और अपराधी जो है वो पकड़े जाएंगे। सर, जो एनकाउंटर हो रहे हैं उससे क्राइम पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, एनकाउंटर हमारी स्टेट पॉलिसी नहीं है। एनकाउंटर को हम एनकाउंटर नहीं कहते हैं, हम उसको पुलिस एंगेजमेंट कहते हैं या पुलिस क्रैकडाउन कहते हैं। हमने अपराधियों के विरुद्ध काफी शिकंजा कसा है, हम उन पर नियंत्रण करना चाहते हैं। कई बार ऐसे मौके होते हैं जिनमें हमें उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता है और कई कुछ ऐसे मौके भी आते हैं जिसमें आत्मरक्षार्थ हमें गोली चलानी पड़ती है। उस प्रक्रिया में हमने अपने जवानों को भी खोया है, हमारे 375 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए हैं और यही कारण है कि हम उसको स्टेट पॉलिसी नहीं, ये हमारे क्राइम कंट्रोल का एक माध्यम है और हम चाहते हैं कि जितने भी अपराधी हैं वो हमारी गिरफ्त में आएं, हम उनको गिरफ्तार करें और जेल भेजें और ताकि हम आम जनता जो हमारी निर्दोष जनता है उनके बीच हम एक सुरक्षा की भावना पैदा कर सकें। जैसा कि आपने कहा, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ बाहर नहीं आना चाहते, कुछ स्टेट से बाहर चले गए, तो अपराधों में कमी नहीं आई इससे? अपराधों में कमी आई है, पिछले अगर एक साल का आप अगर अपराध देखें तो उसमें काफी कमी आई है। लूट की घटनाओं में, हत्या की घटनाओं में, किडनैपिंग की घटनाओं में, डकैती की घटनाओं में, इन सब में काफी परसेप्शन में चेंज आया है और कमी आई है। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मेरी आज मुलाकात हुई। हम लोगों ने विश्वविद्यालय के पूरे वातावरण के ऊपर चर्चा की जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी सम्मिलित थे और मैंने एसएसपी को निर्देशित किया है कि एएमयू की समस्याओं को देखते हुए और जो भी उचित कार्रवाई होगा वो इस पे करेंगे। जो स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर होगी वापस ही जाएगी सर? एएमयू स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर आउट नहीं हुई, क्या मांग रहे हैं सर, कैसे उनके पते खंगा ले जाएंगे? वो ऐसे क्रिमिनल गैंग्स थे जो चांस एनकाउंटर हुआ हमारे पुलिस कर्मियों ने किया है और उसके बारे में पूरी बात लोकल पुलिस यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो करेगी। सर, खनन पे रोक नहीं लग पा रही है, राजनीतिक जो नेता है वो पुलिस पे दबाव बनाते हैं। अगर ऐसी कोई अगर आपको दृष्टांत मिलता है तो आप हमें बताइए, हम उस पर देखेंगे।